So, hello students, good morning once again. Let us join the board. जैसा कि हमने decide किया है that we will be doing some foundation lecture of chemistry. So, this is going to be our fourth lecture. अब तक मैंने आपको basics के थ्री लेक्चर्स कराए हैं जिसमें कि मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, मास, इन सब में इंटर कन्वर्जन हमने सीखा है. लास्ट क्लास में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोलर मास से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करवाए थे. उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये स्टोकियोमेट्री जो फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन है उसका ये लास्ट लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर. एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग सम fundamentals of atomic structure, periodic table and chemical bonding which is required to understand organic and inorganic chemistry. And by that way we complete our foundation lecture. तो जैसा मैंने आपको कहा था कि 8 foundation lecture हम करेंगे and that will make a bridge between class 10 and class 11 chemistry. So in this lecture we are going to do a very important concept of stoichiometry which is called empirical formula. Let us make a background of empirical formula in 1 minute first. Matter kis cheez se bana hai? What is the smallest unit of matter according to Dalton's? That is atom. Matters are made up of atoms. If I ask what is the smallest identity of a compound, molecule. कोई compound किस चीज से बना है? Molecule से बना है. जैसे हम एक example लेते हैं glucose का. ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है. ग्लूकोज भी एक मैटर है और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज मैटर एज ए मैटर किन एलिमेंट से बना है तो हम कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो काफी चीजें बनती है, सबको तो ग्लूकोज नहीं कहेंगे. तो ग्लूकोज की आइडेंटिटी, ग्लूकोज की पहचान किससे होगी? इस मॉलिक्यूल से. अगर ये फॉर्मूला है देन द कंपाउंड विल बी ग्लूकोज और इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट इज इट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड. कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट अप टू विच इट रिटेन इट्स प्रॉपर्टी, जहां तक ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा. इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. बट अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में इसको डिवाइड कर देंगे तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी. यहीं पे आता है एक टर्म बच्चे, इंपेरिकल फॉर्मूला. अगर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिखें कि उसमें एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए. सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब कि उनके नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो. अगर आप ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज के एटम्स, ग्लूकोज में एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6, 12, 6 है, जिसमें 6 का एक कॉमन फैक्टर है. अगर वो 6 का कॉमन फैक्टर ड्रॉप कर दें, ड्रॉप कॉमन फैक्टर ऑफ 6, देन व्हाट विल बी लेफ्ट? CH2O. एंड दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ
glucose. So now you understand the meaning of empirical formula. Now we can define empirical formula. Empirical formula of a compound is the simplest formula with atoms present in simple whole number ratio. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. एक बार जरा लिख लेते हैं. Empirical formula is the simplest formula of a compound with elements present in simple whole number ratio. ये बात समझ में आ गई सबको. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला विथ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या हुआ बच्चे? कि एटम्स के नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और वो होल नंबर होना चाहिए. जरा इसको प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा. यहां पे हम लिखते हैं कंपाउंड ग्लूकोज. अभी अभी देखा हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6. वैसे C6H12O6 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेवरल अदर कार्बोहाइड्रेट्स. फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है, ये सब आगे आप सीखेंगे, बट ग्लूकोज का भी है. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O. क्विक एल्कीन लेते हैं, से ब्यूटीन. ब्यूटीन CnH2n C4H8. फोर का कॉमन फैक्टर, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2. बेंजीन क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H6. एंड देन व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? ओनली CH, सिक्स का कॉमन फैक्टर. हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? HO कॉमन फैक्टर 2 का. और लिख सकते हैं एसिटिक एसिड क्या होता है इसका फॉर्मूला? CH3COOH. एसिटिक एसिड विनेगर में जो होता है, इसमें देखो 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है. CH2O C2H4O2 इसका फॉर्मूला क्या है? C2H4O2 2 का कॉमन फैक्टर निकाल दो, CH2O. एक और ले सकते हो पर सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8. 2 का फैक्टर कॉमन है तो क्या बचेगा? HSO4. इस तरह से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझते हैं. अब जरा देखें मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का. अगर हम निकालें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 12 × 6 = 72 प्लस 12 हाइड्रोजन का प्लस 6 ऑक्सीजन का, 6 × 16 = 96.
इनको अगर ऐड करो ये 180 आ जाएगा। C4H8 12 4 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48 प्लस 8 56। बेंजीन C6 12 इंटू 6 72 प्लस 6 78। H2O2 2 प्लस 32 34। एसिटिक एसिड 12 प्लस 3 15 प्लस 15 प्लस 12 27 प्लस 32 59 प्लस 1 60। H2H2O8 पर सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्लस सल्फर इज 32 तो 32 इंटू 2 64 प्लस 16 8 जा 128 128 टू 130 130 प्लस 64 194 ये है मॉलिकुलर वेट। और अगर इंपेरिकल फॉर्मूला वेट हम लिखें, इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट लिखें तो 12 प्लस 2 प्लस 16 12 टू 14 प्लस 16 30 12 प्लस 2 14 12 प्लस 1 13 1 प्लस 16 17 12 प्लस 2 14 प्लस 16 30 1 प्लस 32 33 33 प्लस 64 97 97। अगर हम देखें तो मॉलिकुलर वेट और इंपेरिकल फॉर्मूला वेट में एक रिलेशन है। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट को उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें जो कॉमन फैक्टर था तो मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। दिख रहा है क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला वेट और मॉलिकुलर वेट में रेशियो, मॉलिकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इज वेट इज व्हाट 6 4 6 2 2 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंपेरिकल फॉर्मूला वेट मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट में रिलेशन पता हो, एक फॉर्मूला नोन हो, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये कुछ बेसिक बातें इंपेरिकल फॉर्मूला की मैंने आपको बताई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सीखना है वो ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला बाय सम सिंपल कैलकुलेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोशिश करेंगे समझने का। डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करने के लिए रिक्वायर्ड क्या है? व्हाट इज रिक्वायर्ड? आपको उस कंपाउंड के एक गिवन मास में से 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम एक गिवन मास में सभी एलिमेंट्स का मास इंडिपेंडेंटली मालूम होना चाहिए। मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए गिवन मास ऑफ कंपाउंड मस्ट बी नोन। यानी कि मास कॉम्पोजिशन मालूम होना चाहिए, या तो डायरेक्ट मास नोन होगा या मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब टोटल मास 100 ले लेंगे तो मास परसेंटेज मास हो जाएगा, बात एक ही होगा। देन हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, जरा हम इसको देखते हैं। सपोज करो एक सिचुएशन लेते हैं, हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एन
organic compound has carbon, hydrogen and oxygen. It contains it contain 40% carbon, 40% carbon, 6.8% hydrogen and the rest oxygen. Determine empirical formula. I will go slow in this illustration, जिससे कि हम समझे चीजों को. समझते हैं जरा. कंपाउंड में क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज दिया है. क्या इसका मतलब यह होगा कि अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड का ले लें, अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड का ले लें तो उसमें 40 ग्राम होगा कार्बन, 6.8 ग्राम होगा हाइड्रोजन और जो बैलेंस रह गया वो ऑक्सीजन. सो लेट्स टेक 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड. अगर हम कंपाउंड का 100 ग्राम लेते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा? 40 ग्राम, 6.8 ग्राम और इसको हम ऐड कर लें 46.8, 47, 53.2 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा. हमें क्या करना है? मास को मोल में कन्वर्ट करना है. ये कैसे आता है? मास अपॉन मोलर मास से. तो 40 ग्राम में कितने मोल? 40/12. 6.8 ग्राम में 6.8/1. 53 ग्राम में 53.2/60. टेन बाय थ्री, सो 3.33, 6.8 और इधर हो जाएगा ये 16, 3 × 48, 48, 5 × 52, तो 16, 3 × 1 again, 48, 5 × 52, ये वही आ गया. अब क्या करना है? इसे हमें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है. क्या करना है? सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है. और सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट मोल, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है. अब इसमें स्मॉलेस्ट दो है, ये दोनों इक्वल है और स्मॉलेस्ट है, 6.8 उससे ज्यादा है, तो 3.3 से हम डिवाइड कर देंगे पूरे मोल को. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6.8/3.3 और ये हो जाएगा 1. ये 2. कितना हो जाएगा? 66, 268, 2020, 0, 200, अराउंड 2.06.
अब इसे हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में। ये तो ऑलरेडी होल नंबर है, ये दो तो ये, इसे हम राउंड ऑफ करेंगे। अगर प्लस माइनस पॉइंट टू, प्लस माइनस पॉइंट टू गिव्स होल नंबर, तो ये अप्रोक्सीमेशन कर देना। अगर प्लस पॉइंट टू करें या माइनस पॉइंट टू अप टू में होल नंबर आ जाता है तो उसे हम होल नंबर में राउंड ऑफ कर देंगे, और अगर नहीं आया, इफ नॉट देन मल्टीप्लाई बाय ए स्मॉल फैक्टर टू मेक इट होल नंबर और नियर टू होल नंबर। समझ गई बात को? तो फिलहाल ये 2.06, 0.06, 0.2 से कम है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 2 में, और यही आ जाएगा एटम का रेशियो एम्पिरिकल फॉर्मूला में। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? CH2O, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये कोई और नहीं, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला ले सकते हैं। कुछ समझे? तो अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला का थ्योरी यही है। सो लेट अस प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक सिचुएशन लो, कह रहा है कंपाउंड हैज टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एंड इट हैज मास, इट हैज मास ऑफ वाई विच इज 1/3 ऑफ मास ऑफ एक्स, ऑल्सो मोलर मास ऑफ एक्स इज ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ वाई। डिराइव एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? वाई का मास कंपाउंड में एक्स के मास का 1/3 है। देखते हैं जरा। इफ मास ऑफ, मास ऑफ एक्स, इफ मास ऑफ एक्स इन कंपाउंड इज से एम ग्राम, कंपाउंड में एक्स का मास एम ग्राम ले लिया, तो मास ऑफ वाई क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाई विल बी एम बाई 3। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का अप्रोच लगा देते हैं। एक्स वाई मास एम, एम बाई 3, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। अगर एक्स का मोलर मास, क्या रिलेशन है? मोलर मास ऑफ एक्स इज ट्वाइस मोलर मास ऑफ वाई। लेट मोलर मास ऑफ वाई बी एम, सो मोलर मास ऑफ एक्स विल बी 2m। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी व्हाट? m अपॉन 2m एंड m अपॉन 3m। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स।
स्मॉलर क्वांटिटी कौन है, m बाई थ्री एम, उसी से डिवाइड कर दें, इसे डिवाइड बाय m बाय थ्री एम। तो m बाय थ्री एम से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल रेशियो, यहां पे आ जाएगा 3/2 और यहां पे आ जाएगा 1। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक इट होल नंबर, तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज व्हाट, x3 y2। समझ में आया कुछ? एक और लो, कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 40% कार्बन, 40% कार्बन, 9% और लेटेस्ट ठीक है 9% हाइड्रोजन एंड रेस्ट नाइट्रोजन, डिराइव इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपल, क्या करेंगे, एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, मास लिख दो सबके नीचे, मास, मास परसेंटेज ही मास हो जाएगा 49 एंड बैलेंस कितना बचा 51। नंबर ऑफ मोल्स 40/12, 9/1 एंड 51/14, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, 4 3 12, 4 10, सो इट इज 3.33। दिस साइड 14, 14 3 42, 9 9 0 90, 14 6 84, 6 0 60, 14 4 कुछ ऐसा। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3.33, सो सिंपल रेशियो 1 9/3.33 एंड 3.64/3.33। 9/3.33 is what? 9/3.33. It is 2.7. And 3.64. 3.64 divided by 3.33. It is 1.09. Now it is not in the range of approximation. ये अप्रोक्सीमेशन के रेंज में नहीं है, तो हम क्या करें, इसे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें नहीं चलेगा, 5 से नहीं चलेगा, 10 से ही होगा मल्टीप्लाई, 10 से होगा मल्टीप्लाई। अगर इसे हम इंटू 10 कर दें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 10.9।
इसको अब राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। तो ये होल नंबर में क्या बनेगा, ये 10 10 ही रह जाएगा, ये 27 और इसे हम 11 कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बना, C10H27N11। समझ में आ गई बात। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहता है एन अननोन कंपाउंड हैज 47% पोटेशियम, 14.5% कार्बन एंड रेस्ट ऑक्सीजन डिराइव एम्पेरिकल फॉर्मूला। पोटेशियम का मोलर मास 39 होता है, बाकी सब नोन है। अब ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, पोटेशियम आ गया, इसमें क्या करेंगे, वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो सिंपल है, तो सीख गए होंगे आप लोग, तो वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सो वी हैव पोटेशियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, मास 100 ग्राम मिलेंगे कंपाउंड का, तो जो परसेंटेज है वही मास हो जाएगा। मास पोटेशियम इज 47, कार्बन इज 14.5, सो 47 प्लस 14.5 इट इज 61.5, सो 100 माइनस 61.5 इज 38.5, ऑक्सीजन इज 38.5। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, मोल, सो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, 47 अपॉन 39, 14.5 अपॉन 12 एंड 38.5 अपॉन 16। लेट अस सी हाउ मच दे आर कमिंग। या ऐसा करते हैं, स्मॉलेस्ट से पहले हम डिवाइड ही कर लेते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लग रहा है आसपास आ जाएंगे। लेट अस सॉल्व इट, 47 डिवाइडेड बाय 39, इट इज 1.2, 14.5 डिवाइडेड बाय 12, इट इज ऑल्सो 1.2, ये देखो आ गया, एंड 38.5 डिवाइडेड बाय 16, इट इज 2.4। सो लेट अस मेक इट सिंपल रेशियो, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स इज 1.2, सो 1 एंड 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2 इट इज 2। वाओ, व्हाट अ डेटा। सो देयर इज नो नीड ऑफ एप्रोक्सीमेशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज व्हाट, के सी ओ टू, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से आज हमने इंपेरिकल फॉर्मूला सीखा। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटेडली सेइंग कि केमिस्ट्री की बिगनिंग में ये सब बॉटल नेक है, और ये सब अगर थोड़ा सा मेहनत करके बच्चा सीख जाए तो फिर उसकी टेक ऑफ इतनी स्मूथ होती है कि सीधा वो वर्टिकल जाने लगता है एंड विदाउट एनी टर्बुलेंस, अदरवाइज टर्बुलेंस आते रहता है, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स सीखने का ऑब्जेक्टिव होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीखना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से फिर आगे वैलेंसी, एंड दैट विल बी यूज्ड इन सम बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इतनी चीजें अभी अपने को करना है। सो थैंक यू enough for this lecture.